से ऐश्वर्या प्रधान की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा से जुड़ी आज की महत्वपूर्ण घोषणाएं। भाजपा संकल्प पत्र समिति का चेयरमैन बनाया गया है अर्जुन मेघवाल को और नारायण पंचारिया बने हैं प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन। इस पूरे डेवलपमेंट पर फर्स्ट इंडिया ने की अरुण सिंह से खास बातचीत, जिसमें अरुण सिंह ने किया वसुंधरा राजे की संभावित जिम्मेदारियों से जुड़ा सवाल और सवाल पर अरुण सिंह ने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। दो टूक जवाब उनके द्वारा कहा गया कि जिन नेताओं की जो खूबियां हैं उन्हें उसी हिसाब से जिम्मेदारी दी जा रही है। वसुंधरा राजे करेंगी राजस्थान भर में पार्टी का प्रचार प्रसार। आगामी दिनों में वसुंधरा राजे कई बैठकें भी लेंगे पार्टी की। अब आखिर राजस्थान में क्या जिम्मेदारी मिलेगी वसुंधरा राजे को, ये बड़ा सवाल है। क्या सचमुच मैडम को बनाया जा रहा है राजस्थान चुनाव कैंपेन कमेटी का चेयरमैन, ये भी सवाल बना हुआ है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि जिन समितियों का इंतजार लगातार था, जिन्हें लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार कौन सी समिति में कौन से बड़े नेता को जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि राजनीति में सियासी तौर पर भौगोलिक जातिगत आधार पर और नेता के अन्य विशेषताओं के आधार पर भी घोषणाएं की जाती है, जो स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक रूप से लाभ और हानि के लिए आवश्यक भी होती है। अरुण सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इंतजार था कि आखिरकार कमेटियों की घोषणा कब, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तो नामों को लेकर चर्चा होने लगी है और यहाँ पर कमेटियों का इंतजार था। यहाँ पे काम तो चल ही रहा था, लेकिन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुमति से भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कमेटियों की घोषणा की है। अगर आप देखेंगे तो हमारी जो संकल्प पत्र समिति है उसमें युवा भी हैं, महिला भी हैं, और उसके साथ साथ उनका प्रतिनिधित्व करने वाले एससी के, एसटी के, ओबीसी के, साहित्य क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, हर क्षेत्र से लोगों को जोड़ा गया है। आपको मालूम है कि आज राजस्थान में जनता में हाहाकार की स्थिति है, युवा परेशान है, स्कूल में टीचर नहीं है, सड़कें टूटी है, पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है और कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। यह कमेटी के लोग विभिन्न वर्गों से जाकर के यह बात करने की कोशिश करेंगे कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आ रही है, आपकी अपेक्षा क्या है, आकांक्षा क्या है, किस प्रकार से मैनिफेस्टो बनाया जाए, क्या सरकार को करना चाहिए, वह उनसे आकांक्षा अपेक्षा लेकर के संकल्प पत्र की जो समिति है वो मैनिफेस्टो बनाएगी, फिर उसकी घोषणा होगी और इसके प्रमुख अर्जुन राम मेघवाल जी को रखा गया। एक बड़ी बात यह है कि आप लोग स्वाभाविक तौर पर जिस नेता की जो खूबी है उसकी उपयोगिता उन चुनाव में वही होती है, मैं आप मानते हैं? बिल्कुल, जिस नेता की खूबी होती है वो अब नारायण पंचारिया जी हैं और हमारे लखावत जी हैं, भजन लाल शर्मा है, राजेंद्र राठौर है, इनके पूरी अनुभव है, इसलिए इनको चुनाव प्रबंधन में रखा गया है। तो वसुंधरा राजे की कौन सी ऐसी खूबी है जिसको आप उपयोग करें? नहीं, वसुंधरा जी से बड़ा यहाँ मास लीडर को है ना, मास लीडर है, प्रचार प्रसार करेंगी, दो बार मुख्यमंत्री रही हैं और उसके साथ साथ वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, प्रचार प्रसार पब्लिक मीटिंग होगा और वो हमारे प्रमुख नेता, प्रमुख पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रमुख हिस्सा रहेगी। इन जो अपने कमेटियां घोषणा की इसका भी तो आगे बैठक लेंगी, इसमें आप कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष नहीं है तो बैठक में तो बीच में प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे, प्रभारी प्रभारी भी इस बैठक में आएंगे, वसुंधरा जी भी आके समय समय पर बैठक लेंगी। चुनाव अभियान और चुनाव प्रचार समितियां बची है, चुनाव अभियान समिति में ही चुनाव प्रचार भी हो जाएगी? अब वो देखिए, चुनाव कैंपेन कमेटी अलग से घोषणा होती है, होगी जी, चुनाव कैंपेन कमेटी जो होती है उसकी अलग से घोषणा होती है। एक और बड़ा सवाल यह है, कुछ जो आप लोग अभी पैनलिस्ट बना रहे हैं, प्रवक्ता बना रहे हैं, अभी और जिलाध्यक्ष भी बदल रहे हैं थोड़े बहुत, तो कई लोगों के दिमाग में संशय है, कई जिलाध्यक्ष सोच रहे हैं कि भाई साहब कहीं हम बदल तो नहीं जाएंगे, तो वो अभी क्या जिलाध्यक्ष भी बदलेंगे क्या? और यह जिन लोगों को आपने पद दिए हैं, मतलब संगठन में पद दिए हैं, किसी को पैनलिस्ट, किसी को महामंत्री, किसी को मंत्री, किसी को उपाध्यक्ष, क्या टिकट की को लेकर वो भी दावेदारी कर रहे हैं, ऐसा देखा जाता है? नहीं नहीं, प्रदेश के संगठन की संरचना पूरी हो गई है और टिकट जो है हर आदमी को लड़ने की तो इच्छा होती है, राजनीति में होता किस लिए, लेकिन यह है कि जिनको संगठन का ये दायित्व दिया गया, सब चुनाव में काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, प्रबंधन में काम कर रहे हैं और जो संगठन का दायित्व दिया गया अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, उनके बारे में उनको कहने की जरूरत नहीं, पार्टी जैसा सोचेगी उचित निर्णय लेगी, लेकिन उनको कहने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल, जिस मिशन के लिए अरुण सिंह यहाँ पर आए थे, राजस्थान में आए थे,
वो मिशन अब लगभग पूरा होने के, क्योंकि कहा जाता था कि अलग 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 खेमे हैं, अब सब खेमे एक साथ हो। देखिए कि कोई भी चुनाव का काम होता है तो प्रदेश की जो टीम होती है वह चुनाव लड़ने का काम करती है, वह चुनाव प्रबंधन का करती है। हम लोग प्रभारी अंत प्रभारी का काम एक सहयोगी की भूमिका में होता है। प्रदेश के चुनाव को, प्रदेश के कैंपेन को, प्रदेश के राजनीतिक गतिविधियों को ड्राइव करने का काम प्रदेश का होता है, हम उसके सहयोगी के रूप में भूमिका का निर्वहन करते हैं, यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो अरुण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को एकजुट करने की पूरी कोशिश की है, यही कारण है कि अब समितियां जो हैं वो सभी के सामने हैं। ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। प्रधानमंत्री जी, आज पार्टी में नव मतदाताओं को जोड़ने के अलावा सदस्यता अभियान, कई तरीके के अभियानों की लॉन्चिंग है, थोड़ी देर बाद में आप स्टेज पर चले जाएंगे तो ऐसे में मैं आपसे बातचीत करूंगा, कितना मजबूत तरीके से आप लोग इस बार साथ पाएंगे राजस्थान की जनता? देखिए, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने का अभियान चलाती है। अभी जितने भी नए मतदाता बने हैं, हमारा ये प्रयास है कि उन नए मतदाताओं को हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम करें और उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से इससे पार्टी की ताकत भी बढ़ेगी और ताकत के साथ साथ जो 2023 का जो चुनाव है विधानसभा का और 2024 लोकसभा का चुनाव है, उसमें भी पार्टी को लाभ मिलेगा।